दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का अपने चैनल घर का वैते ते मैं आप सब की दोस्त हाजिर हाँ आप सब की सेवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जी हाँ दोस्तों पपीते के पत्ते का जूस पी के कई बीमारियां तुसी दूर भजा सकते हो। अज का साडा यही टॉपिक है। अज असी तुहानू पपीते के पत्ते खान दे जां फिर उस दे पत्तियां दे जूस के बारे दसांगे। दसो कि तुसी जानते हो कि पपीते के पत्तियां विच कई दवाई के गुण होंदे हन। तुहाडे शरीर के जिन्ने भी रोग है वह पपीते के पत्तियां दे इस्तेमाल नाल दूर हो सकते हैं। वैसे तो पपीते के पत्ते खाण विच कौड़े होंदे हन पर उन्हां विच कमाल के गुण छुपे हुए हैं। दोस्तों पपीते के पत्तियां विच विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी अते विटामिन ई अते इस दे नाल नाल कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। इन्हां दिनां विच जो लोग अपनी सेहत के प्रति जागृत हैं वह पपीते के पत्तियां का इस्तेमाल कर लग गए हैं। इस प्रयोग नाल घातक रोग जिवें कि कैंसर दिल की बीमारी डेंगू ब्लड शुगर अते अंतड़ियों विच बसे परजीवियों नूं नष्ट करन विच सफलता मिलती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नूं भी वधाउंदा है। दोस्तों पपीते की ताजी अते छोटी पत्तियां शरीर विचों विषैले जहर नूं कढ़न विच मदद करदे हन। पपीते की ताजी पत्तियां नूं पीस के उसके रस नूं रोगी नूं पिलाउण नाल प्लेटलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों तुसीं पपीते का जूस दूसरे कई फलों के जूस नाल मिला के रोगी नूं दे सकते हो। आओ जानते हाँ पपीते के पत्तियां दे किहड़े किहड़े दे नाल किहड़े किहड़े रोगों नूं दूर किया जा सकता है तां जां अते जानते हाँ इस दी सेवन विधि की है। दोस्तों इस विच कैंसर रोधक गुण होंदे हन जो कि इम्यूनिटी नूं वधाउण विच मदद करदे हन। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर जिगर अते फेफड़ियां दे कैंसर नूं होने तो रोकते हैं। इसके अलावा यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। पपीते की पत्तियों में प्या एक्टिव समग्रियां होंदिया हैं जो कि कुछ क जीव जिवें कि फंगस कीड़े परजीवी और कैंसर कोशिकावां के विभिन्न अनेक रूपों को वधन तो रोकते हैं। इसके अलावा यह इम्यूनिटी को वधाउंदा है। इन पत्तियों में सर्दियों और जुकाम वर्गे रोगों नाल लड़न की शक्ति होंदी है। यह खून में वाइट ब्लड सैल्स और प्लेटलेट्स नूं वधा दिंदियां हन। पपीते दे पत्तियां विच एंटी मलेरिया गुण हुंदे हन। यह मलेरिया नाल लड़न लई प्रभावकारी है। दोस्तों पपीते दे पत्तियां दा रस मलेरिया दे लक्षणां नूं वधन तों रोकदा है। दोस्तों डेंगू विच यह बहुत ही फायदेमंद है। डेंगू नाल लड़न लई पपीते दीआं पत्तियां काफ़ी लाभकारी हुंदियां हन। यह डिगदे हुए प्लेटलेट नूं वधाउण खून दे जमन अते जिगर दे नुकसान नूं रोकदे हन जो कि डेंगू वायरस के कारण तो दे कारण हो जाता है। इसके अलावा यह महावारी के दर्द तो छुटकारा दवाता है। दर्द को दूर करने के लिए काढ़ा बनाओ जिस विच एक पपीते की पत्ती इमली एक गिलास इमली नमक ते एक गिलास पानी दे नाल मिक्स करो फिर इसे उबालो अते जदों काढ़ा बन के ठंडा हो जाए तो इसे पी लो तुहानू आराम मिलेगा। इस नाल ब्लड प्लेटलेट्स वध जाता है। ये जड़ी बूटी प्लेटलेट नूं वधा दिंदी है। इसलिए पपीते दे पत्तियां दे दो चम्मच रस नूं रोजाना कुछ ना कुछ दिनों तक पीना ही चाहिए है। पिंपल्स नूं दूर करन विच भी बेहद कारगर हुंदी है ये जड़ी बूटी। अगर तुहाडे पिंपल्स है तां सुक्के नारियल दियां पत्तियां लैके थोड़े जे पानी नाल मिला के एक पेस्ट बना लो अते फिर इस पेस्ट नूं अपने चेहरे ते लगा के सुखा लो अते फिर इस नूं पानी नाल धो लवो तुहाडे पिंपल्स हट जाणगे। इस दे अलावा अगर तुसी पपीते दे पत्तियां दी चाह पियोगे तां तुहानूं तुहाडा पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाएगा। मतलब कि जिस नूं भुख नहीं लगती है वह लगन लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों कि पपीते की पत्तियां दे की तुहानूं फायदे हो सकते हैं। तो आई होप कि अज की वीडियो जो जानकारी तुहानूं दित्ती है उस नाल तुहानूं फायदा होगा। अज की जानकारी बस इन्नी ही सी। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे नाल। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक तो शेयर जरूर करना साथ ही साथ साडे चैनल सबसक्राइब करना। वीडियो देखने आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।